हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल देव की कंप्यूटर्स आज फिर एक नई वीडियो के साथ। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, लेटर्स आ रहे हैं PFMS। आज हम बात करेंगे PFMS। PFMS क्या है? PFMS एक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू आप अपने पेमेंट किसी भी किसी को कर सकते हो। जैसे आपने मीन्स ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर स्कूलों में या किसी भी दफ्तर में कोई भी ग्रांट आई है तो उसको कैसे खर्चना है और किसको पेमेंट करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट आज का विषय जो हमारा है वो ऑनलाइन पोर्टल फॉर पेमेंट ग्रांट है डिटेल्स। हम इनके ग्रांट है डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फुल PDF, जो ग्रांट है डिटेल की फुल PDF है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड लिंक आल्सो अवेलेबल, मीन्स जो इसी PDF का डाउनलोड लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज डिटेल में बात करेंगे हम ग्रांट हेड डिटेल्स भी, जो ग्रांट्स हैं उनके हेड कौन कौन से हेड हैं, किस किस हेड में पेमेंट करनी है, आपने कैसे पेमेंट करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, जो जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, शेयर करना मत भूलना चैनल को, ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं और भी ले सकें। उसके बाद लाइक, प्रेस लाइक बटन, आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, इसके साथ हमारा मॉरल सपोर्ट भी उठता है। और देन प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, अब बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जो जो नए वीडियोज हम बनाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकाला हुआ है, अभी निकाला है, ये 12/8/22 का लेटर है ये। तो इसमें आपको सही जैसे इसमें लिखा हुआ है, PFMS पोर्टल के सही कंपोनेंट अधीन खर्चे को बुक करने संबंधी, मीन जो PFMS पोर्टल है उसके ऊपर कैसे कैसे आपने जो अपने खर्चे हैं, जो एक्सपेंसिस हैं, वो कैसे कैसे बुक करने हैं, आपने किस किस हेड में डालने हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में, इस लेटर में डिटेल में बताया हुआ है। तो हम इसको डिटेल में चेक करते हैं। जैसे इनेक्सर 11.5 और 11.4 दिया हुआ है, तो इसके बारे में क्या है वो डिटेल में बात कर। तो फ्रेंड्स, इसमें कॉलम क्या है, जैसे मेजर कंपोनेंट क्या है, सब कंपोनेंट क्या है, क्या एक्टिविटी है उसकी, मींस और इनमें PFMS हेड कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको खर्चे बुक करने हैं आपने। जैसे मैं तीन चार आपको बता रहा हूँ, जैसे हेड कुक का खर्चा, जो असिस्टेंट कुक है, जो कुक का खर्चा बुक कर रहे हैं आपने, तो F.01.38.08 में बुक होगा वो आपका। ऐसे नहीं है कि आप सीधा ही डाल दो, भी प्री मैरिट में की ग्रांट आ जाए, स्कूल की ग्रांट आ गई तो उसमें डाल दो, तो होगा क्या, खर्चा बुक हो जाएगा, खर्चा आपके अकाउंट से कट जाएगा और पेमेंट भी हो जाएगी, बट इन द एंड जब हम उसको टैली करते हैं तो वो टैली नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी और हेड में खर्चा डाल दिया और हमने किसी और हेड में आपको एक्सपेंस दिया है। जैसे आपका, मैं आपको आगे बताऊँ, मेजर रिपेयर क्या है, मान लो आपके बिल्डिंग की मेजर रिपेयर के लिए खर्चा आ गया आपको, जब बॉयज टॉयलेट के लिए खर्चा आ गया, या गर्ल्स टॉयलेट के लिए आपको खर्चा आया हुआ है, तो आपने इन्हीं हेड में उसको बुक करना है। ऐसे नहीं है कि हर एक को मेजर रिपेयर में कर दो, या हर एक को बॉयज टॉयलेट में कर दो, या हर एक को गर्ल्स टॉयलेट में कर दो। तो इनके जो हेड दिए हुए हैं F.01.4811, ये मेजर रिपेयर के लिए, अगर मेजर रिपेयर की आपको ग्रांट आई है तो मेजर रिपेयर के हेड में ही आपने उसको खर्चा डालना है। अगर बॉयज़ टॉयलेट की ग्रांट आई है तो बॉयज़ टॉयलेट के हेड में खर्चा डालना है, अगर गर्ल्स टॉयलेट की ग्रांट आई है तो अपन गर्ल्स टॉयलेट में ही उसका खर्चा बुक करना है। जिस नीचे लाइब्रेरी रूम का खर्चा है तो लाइब्रेरी रूम का खर्चा लाइब्रेरी रूम के हेड में ही आपने बुक करना है। तो इसका बेनिफिट ये है फ्रेंड्स, जब आप खर्चा कर देते हो, खर्चा करने के बाद इन द एंड जब आपकी हायर अथॉरिटी इसको टैली करती है, तो वो हेड तो जितना उन्होंने डाला है उतना खर्च हो जाता है, तो उससे टैली हो जाता है जितना हमने, मगर 1 लाख दिया तो 1 लाख खर्च हो चुका है। बट हम रूटीन में क्या करते हैं, लाइब्रेरी रूम का खर्चा आता है तो डाल देते हैं मेजर रिपेयर में, तो होता क्या है, मेजर रिपेयर की ग्रांट तो 1 लाख होती है, खर्चा उसमें 10 लाख हो जाता है, तो वो टैली नहीं होता। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमने इन हेड को ध्यान में रखना है और इन हेड के अकॉर्डिंग ही अपना खर्चा बुक करना है। जैसे रूटीन में, जैसे आप खर्चा करते हो, रूटीन में ग्रांट्स आती हैं आपको, जैसे टेक्स्ट बुक की ग्रांट आ गई आपको, तो फ्री टेक्स्ट बुक की F.01.061, यूनिफॉर्म्स की है, ऑल गर्ल्स SC बॉयज़ एंड BPL बॉयज़, तो F.01.062 है,
जैसे अभी भी ग्रांट आई हुई है प्राइमरी बच्चों के लिए आई हुई है, तो उनकी ग्रांट वो हेड, ये हेड आपने डालना होगा। इसके बाद आ गया फ्रेंड्स आपका SMDC ट्रेनिंग, ये भी स्कूलों में ग्रांट आई हुई है, तो इसके लिए जो हेड बुक करना वो F.03.99.01, तो ये हेड उसका बुक करना है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग SMC ये 98.9101 है, तो ये 98.01 है। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आपको लेटर आया होगा उस लेटर को देख के आपने ग्रांट का हेड कौन सा है या ग्रांट में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने ये हेड उसका बुक कर देना है। तो जैसे और नीचे जैसे देखिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं बच्चों के लिए, तो उसके लिए जो ग्रांट्स आती हैं तो उसका हेड क्या है F.03.74.01, तो इस हेड में आपका वो खर्चा बुक होगा। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए है, तो प्राइमरी के लिए भी नीचे दिया हुआ है उन्होंने, प्राइमरी के लिए अलग से देते हैं और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए अलग से दिया हुआ है। जैसे टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम है, टैलेंट सर्च स्कूल लेवल है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल, ओरिएंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड सेफ्टी सिक्योरिटी, तो ये सभी फंड्स आपको रूटीन बाय रूटीन या मंथ बाय मंथ आपके हेड में आते हैं, स्कूल के अकाउंट्स में आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपने इनका खर्चा बुक करना है। जैसे बाला ग्रांट होगी, एजुकेशन पार्क ग्रांट हो गया, लिसनिंग लैब होगी, ई टीचिंग लैब हो गया, स्कूल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो गया, स्किल एग्जीबिशन कंपटीशन हो चुका है, ये सभी ये ग्रांट्स आपके हेड में स्कूल के जो आपका अकाउंट है उसमें आती हैं, तो उनका जो खर्चा बुक करना है वो आपने उनके सामने दिए हुए हेड के अकॉर्डिंग ही बुक करना है। ऐसे नहीं है कि आप अपनी तरफ से किसी भी हेड में डाल दो उसको, तो वो एक रॉन्ग सिस्टम हो जाएगा। लिसनिंग लैब आई हुई है, जब स्कूलों में लिसनिंग लैब का खर्चा आया था तो उसके लिए ये हेड दिया हुआ है। एजुकेशन पार्क का वो हेड दिया हुआ है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स बाला का ये खर्चा हेड दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग LEP ग्रांट आती है 6 से लेकर 8 तक, सामने दिया हुआ है कौन कौन सी क्लास के लिए है। टोटल LEP ग्रांट 6 से 8 लेकर LEP ग्रांट 9th to 12th, इसके लिए ये हेड देना पड़ेगा आपको। तो ये सभी ये नियर अबाउट 22 पेजेस की PDF है, इसको ध्यान से रखना अपने पास, अपने मेल पे या अपने मोबाइल में या किसी भी इसका प्रिंट निकाल के आप अपने ऑफिस में या स्कूल में रख सकते हो, तो वो काफ़ी काम देगा आपको जब भी आप इसका बिल बनाते हैं। जैसे सभी स्कूल ग्रांट्स के लिए अगर 3 से इतने बच्चे हैं तो वो सभी बताया हुआ है उसने, लाइब्रेरी ग्रांट अप टू हाईएस्ट क्लास 8 तक, अगर 8 तक स्कूल है तो आपका वो ग्रांट का हेड ये है, अपर प्राइमरी के लिए ये है, प्राइमरी के लिए ये है, तो सभी डिटेल में दिया हुआ है। मैथ किट, साइंस किट, टिंकरिंग लैब फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइंस, मैथ क्विज कंपटीशन, स्टडी ट्रिप, इन सभी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट हेड दिए गए हैं। तो ये सभी हेड्स को ध्यान में रख के ही आपने अपना जो स्कूल का काम है या स्कूल का जो भी एक्सपेंस खर्च बुक करना है वो इसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे TLM ग्रांट है, TLM फॉर चिल्ड्रन प्री प्राइमरी के लिए हुई है, जैसे इसका हेड दिया हुआ है 0.01.134.04, जो भी बच्चों हर एक स्कूल में आई हुई है तो हर एक स्कूल इसका खर्चा बुक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। सपोर्ट एट प्री प्राइमरी लेवल, तो प्री प्राइमरी लेवल के लिए जो है तो इसका खर्चा यहाँ पे बुक करना है। जैसे 2 ग्रांट्स आई हुई हैं, एक बच्चों के लिए प्राइमरी बच्चों के लिए आई हुई है स्कूल किट की ग्रांट, जो 240 रुपये पर मंथ पर बच्चा आई हुई है, और एक ग्रांट आई हुई है आपका जैसे मे बी 56 रुपीज आई हुई है, तो उसके लिए ये खर्चा आपने बुक करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं, तो डिफरेंट हेड के अकॉर्डिंग ही आपने इसका खर्चा बुक करना है। इसके बाद आ गया फ्रेंड्स जैसे कंटेंजेंसी ग्रांट है, मीटिंग TA है, CRC ग्रांट आ गई, मोबिलिटी स्पोर्ट्स CRC ग्रांट से आ गई, तो इनके लिए हेड सामने दिए गए हैं। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल सेकेंडरी, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल सीनियर सेकेंडरी के लिए आ चुका है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अप टू 8th क्लास, तो 8th क्लास के लिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल के लिए जैसे ये दिया अपर प्राइमरी के लिए ये हेड दे दिए उन्होंने, सेकेंडरी के लिए ये दे दिया हेड, और सीनियर सेकेंडरी के लिए ये हेड दे दिया। तो जो भी ग्रांट आपको आई है इन्हीं हेड के अकॉर्डिंग ही आपने इसको उसका खर्चा बुक करना है। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, तो जैसे विद्या समीक्षा केंद्रा, ये भी अलग अलग हेड हैं, कई बार इनके हेड के अकॉर्डिंग ग्रांट्स आती हैं तो कई बार नहीं आती, किसी और हेड में आती हैं, तो जिस हेड की ग्रांट आई है उसी हेड में आपने उसका खर्चा बुक करना है। जैसे डाइट के आ गया प्रोग्राम एट एक्टिविटी डाइट्स आ गया, डाइट्स के SCERT का आ गया, ये डाइट्स के लिए आ गए ये सभी खर्चे, तो सभी ये खर्चे डाइट्स के डाइट में जो होंगे वो उनके अकॉर्डिंग बुक किए जाएंगे। KGBV के टाइप के आ गया खर्चा, वार्डन का, पार्ट टाइम का, ये मोस्टली हमारे स्कूलों में नहीं होते, अगर स्कूलों में हैं तो आपने इनके अकॉर्डिंग ही खर्चा बुक करना है।
कैपेसिटी बिल्डिंग आ गया, प्रेपरेटरी कैंप्स आ गया, मिसलिनियस आ गया, मेंटेनेंस आ गया, मेडिकल के लिए केयर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस आ गए, स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग पर गर्ल्स आ गया, टू स्टूडेंट कुक हेड कुक के लिए आ गया, तो सभी इनके अकॉर्डिंग आपने खर्चा बुक करना है। तो फ्रेंड्स इसमें डिटेल में बताया हुआ कौन कौन से हेड किस किस के हेड हैं, क्या क्या खर्चे आपने बुक करने हैं। तो जो ये आपकी पीडीएफ आप मे बी मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी काम आएगी, तो इस पीडीएफ को आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, अगर प्रिंट लेना है तो हमसे भी प्रिंट ले सकते हो। तो जैसे नीचे भी आ गया, ऊपर भी दिया हो गया हुआ है कौन सी क्लास के लिए है, ओपनिंग और न्यू स्कूल के लिए क्या ग्रांट है, या सेक्शन सेक्शन क्लासेस कौन सी हैं उनके लिए क्या ग्रांट क्या हेड दिए हुए हैं, सभी हेड डिटेल में दिए हुए हैं। बॉय टॉयलेट, गर्ल टॉयलेट, मेजर रिपेयर, ड्रिंकिंग वाटर, रैम्प्स एंड हैंड रेल्स, ये सभी क्लासेस भी चाहिए ड्रिंकिंग क्लास के लिए कौन कौन से हेड आपने यूज़ करने हैं। वैसे तो आपको स्पेसिफिक लेटर भी आता है जो स्कूलों को आता है भी कौन कौन से लेटर के अकॉर्डिंग आपने हेड बुक खर्चा बुक करना है, तो अगर वहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से इस पीडीएफ की मदद से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो और अपना काम ईजिली और आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद अदर्स एंड क्लिक ऑन लाइक बटन, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।